आरएसडी एकेडमी में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में तीनों इकाइयों का 7 दिवसीय शिविर का आज पांचवा दिन मतदान अभियान के रूप में मनाया गया। शिविर के पांचवें दिन का विषय मतदान जागरूकता अभियान था, जिसके अंतर्गत मतदान विषय पर स्वयंसेवक और सेविकाओं ने मिलकर अपने विचारों को भाषण के माध्यम से प्रकट किया और बताया कि मतदान करना हमारे लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए कितना जरूरी है। मतदान अवश्य करें और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें, यह हमारे एनएसएस कैंप का उद्देश्य है। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी और संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। इसके पश्चात आरएसडी एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर जी कुमार के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें दीपाली कपूर बीएड प्रथम, अंशी त्यागी डीएलएड द्वितीय और कपिल विक्टोरिया बीएड फर्स्ट ईयर तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, डॉक्टर बी के पाल और कार्यक्रम अधिकारी मुकुल सक्सेना, श्रुति गोयल, मयंक शर्मा, सहयोग में अहमद जमाल, संयम वस, अभिषेक शर्मा, लेफ्टिनेंट सुखरानी, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, निदा नबीला, लवप्रीत कौर, अभिलाषा शर्मा, संदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। आज यहाँ एनएसएस के कैंप में हम वोटिंग अवेयरनेस के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करूंगी। वोट, बहुत से लोग वोट नहीं देते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके वोट का कोई मायना नहीं है, या फिर वो लोग वोट देने नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई परिवहन नहीं होता है, वो पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोगों का वोट मायने होता है क्योंकि वोटों की जो संख्या होती है, या हम जिस भी इंसान को चुनते हैं तो हम उनको मतदान की संख्या के अनुसार ही चुनते हैं। उनकी संख्या कम हो जाती है तो हम जिसको हम लाना चाहते हैं, जो इंसान अच्छा है, जो हमारी बात सुनता है, तो वो हमें नहीं सुनता, हमारी समस्याएं वगैरह उनको सॉल्व नहीं करता है। इसलिए वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम अभी वोट नहीं देंगे तो मतदान का प्रतिशत आगे चल के बहुत कम होता जाएगा और फिर ऐसा होगा कि लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा बिल्कुल ही। तो उनको अब आगे से हमें ये देखना है कि हम जब भी वोट हो तो हम बाहर जाएँ और वोट दें। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अंशी त्यागी एंड आई एम फ्रॉम डीएलएड। एनएसएस के कैंप में मतदान जागरूकता के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश की सबसे पहली पहचान है मतदान, जो कि किसी भी मतलब रंग भेद किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे ना रखकर सब लोग सामान्य रूप से मतदान करते हैं। और क्या कहते हैं, करना चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करे, जो हमारे देश के लिए काम करे, जिससे हमारा भाग्य बने और देश हम ऊपर जाए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना चुने जो पहले हमारे साथ हो और बाद में हमारे साथ ना दे। उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने वोटिंग के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मैथ में वाला क्वेश्चन किया होगा परसेंटेज क्वेश्चन, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे देश में 60% लोग या उससे कम लोग वोट करते हैं। मान लो अप्रोक्स 60% लोगों ने वोट किया, अब वो 60% 10-11 कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन 10-11 में बढ़ जाता है, तो जो जीतने वाला कैंडिडेट